हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स यानी पीएसयू का ओनर कौन होता है। क्या आपको पता है कि इन पीएसयू की ओनरशिप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होती है। चलिए आज इसी टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेंगे कि पीएसयू दैट इज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है वो गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, जहाँ पे गवर्नमेंट की ओनरशिप जो है वो 50% से ज्यादा की होती है। लेकिन यहाँ ओनरशिप असल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे होती है। ये ओनरशिप स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक सेटअप किया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज अ हेड ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज बाय इट्स सिटीजंस। इस तरह से पीएसयू की जो ओनरशिप है, प्रेसिडेंट के नाम पर होना एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये एसेट देश के लोगों के लिए है। एग्जाम्पल के तौर पर ONGC, BHEL, SBI और इंडियन ऑयल जैसे पीएसयू का ओनरशिप टेक्निकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर होता है। ये ओनरशिप का अरेंजमेंट ये इंश्योर करता है कि इन कंपनीज का कंट्रोल जो है वो सरकार के हाथ में रहे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट के पास होता है। जैसे ऑयल कंपनीज का कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के पास होता है। तो इसका मतलब ये है कि डे टू डे ऑपरेशन और डिसीजन मेकिंग जो है इन मिनिस्ट्रीज के थ्रू मैनेज होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कुछ पीएसयू स्टॉक मार्केट में भी लिस्टेड होते हैं और पब्लिक शेयर होल्डर्स भी इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी स्टेक और कंट्रोल हमेशा गवर्नमेंट के पास होता है, इंश्योरिंग दैट दिस कंपनी सर्व द पब्लिक इंटरेस्ट। तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी कंपनी है जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी है और गवर्नमेंट का उसमें कितना हिस्सा है। विल मीट इन द नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।